हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 एंड मैं आज जल्दी उठ के जा रहा हूँ वॉक करने एक स्पेशल जगह। एक अच्छा एक बहुत बड़ा पार्क है यहाँ पे गुड़गांव में, जो कि मैं कब से सोचा था कि मैं जाऊँगा एंड आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आज फाइनली मौका मिला एंड वहाँ जाके आपको दिखाता हूँ। अभी बताऊँगा नहीं, वहाँ जाके आपको बताता हूँ कौन सा वाला पार्क है। तो मैं आया हूँ अरावली पार्क गुड़गांव में। ये गुड़गांव का सबसे बड़ा पार्क है एंड अराउंड है इसका एरिया साइज 153 हेक्टेयर्स। तो मैं पहली बार आया हूँ गुड़गांव में होते हुए, आज जाके देख के आते हैं। अभी वो पार्किंग है, एक सेकेंड, मेट्रो जा रही है, एक सेकेंड। तो आज मैं पहली बार आया हूँ तो जाके देख के आते हैं कि क्या क्या अंदर। सुना तो बहुत है मैंने इसके बारे में, पर लेट्स सी कैसा अंदर से। तो मैं एंटर कर चुका हूँ एंड एकदम जंगल के बीच में ये पार्क, पूरा अरावली एरिया है। लेफ्ट राइट कुछ नहीं है अगर, एंड मैं चलते जा रहा हूँ। मेंटेन नहीं है वैसे, बट लोग वॉक कर रहे हैं काफ़ी। दिखाता हूँ आगे से आके। ट्रैक देखो, ये एकदम नीचे जाके ना ऊपर है, पता नहीं आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा। एंड ये हल्के हल्के पहाड़ है पीछे, ये मेन गुड़गांव में। आज रिचा नहीं आई मेरे साथ, बट अगर रिचा आती रिचा को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एकदम जंगलों, एकदम ग्रीन पेड़ पौधों के बीच में। अब ऐसे यहाँ पे अलग अलग बर्ड की स्पीशीज़ है, बोलते हैं कि यहाँ पे अराउंड 165 अलग अलग डिफरेंट स्पीशीज़ है बर्ड्स के। एंड ये पार्क बन गया था अराउंड 2010 में, बट हम अब आ रहे हैं 10 साल बाद। एंड अगर आप लोग आना, आप आ सकते हो। विंटर्स में इसके टाइमिंग है सुबह 6 से शाम के 5:30 बजे तक। सुबह बहुत भीड़ होती है तो आई थिंक ये टाइम ठीक है, 8 बजे। ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, आराम से आप घूम सकते हो। अभी पीछे जो गार्ड आ रहे थे वो, तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनसे पूछा ये जो ट्रैक है ये कितना लंबा है। तो बोले बहुत आगे तक है, ये अराउंड 4 किलोमीटर का ट्रैक है। बीच में से भी जा सकते हो अगर आपको शॉर्टकट लेना है, बट ये पूरा गोल घूम के आता है, पूरा पार्क के बाहर गोल घूम के आता है एंड अराउंड 4 किलोमीटर का पड़ता है। देखते हैं कितना वॉक कर सकते हैं। अच्छा है, देखो एक रास्ता ये जा रहा है, कहाँ जा रहा है वो मुझे भी नहीं पता। ऐसी जगह आपको कहाँ मिलती है, गुड़गांव दिल्ली जैसी मेट्रो जगह में, इतनी खुली, इतनी ग्रीन, ऐसा लग रहा है आप कोई सफारी में आए हुए हो। सिर्फ एक ये ट्रैक है एंड लेफ्ट राइट कुछ नहीं है आप, और इतने सारे बर्ड्स हैं अलग अलग तरीके के, थोड़े छोटे छोटे जानवर है। ये रास्ता कहाँ जा रहा है, मैं तब से चलते जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा है मुझे ही नहीं पता, और जाना कहाँ है मुझे वो भी नहीं पता। ऐसे वॉक करने में मज़ा आता है, क्या कुछ पता ही नहीं आपको जाना कहाँ। बस एक ही ड्रॉप है क्या यहाँ पे, एक आपको देख रहे हैं डॉग्स बहुत ज़्यादा है, बहुत गंदा भी किया हुआ है, बाकी बहुत सुंदर है। तो आई थिंक अब मुझे चल लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा चल के आ गया है। मेरे ख्याल से अराउंड में 2-2.5 किलोमीटर तो सीधा चल चुका हूँ एंड यहाँ पे इतने सारे रास्ते कि मुझे जाते हुए अब मुझे वापस जाते हुए फिगर आउट करना पड़ेगा कि मैं कौन से रास्ते से आऊँ। मैं इतने टाइम से सोचा था कि ये आऊँ, मेरा शोरूम भी यही है इसी रास्ते में, डेली मुझे जाना है यहाँ से, डेली मुझे दिखता था, बट कभी मैं कभी रुका ही नहीं। अच्छा फाइनली आज मैं टाइम निकाल के आ गया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा यार। अगर आप लोग भी गुड़गांव में से हो तो ज़रूर आओ, इनफैक्ट दिल्ली बॉर्डर के पास है ये, तो आप तो आ सकते हो जो दिल्ली में रहते हैं, साउथ दिल्ली में, उनके लिए तो बहुत पास है ये। आप इनफैक्ट जब आप वॉक करते हो ना तो हल्का हल्का डर लगते रहता है आपको, लेफ्ट राइट आवाज़ आते रहती है झाड़ियों में से ना, कि जैसे कोई चल के क्रॉस कर रहा है। तो मैं रुक गया। तो ये जो आपको दो रास्ते दिख रहे हैं, एक ऊपर का ट्रैक है, ये है एग्जिट जाने के लिए, एंड ये जो लेफ्ट में आपको दिख रहा है, किसी भी रास्ते में चले गए ना तो आप भटक जाओगे। अभी मैं आया हूँ यहाँ से एंड मुझे जाना है ये वाले में, तो यहीं चलते हैं वापस, यही आई थिंक एग्जिट है। अब यहाँ से कहाँ जाना है मुझे, मैं आया कहाँ से था, ऊपर जाने का है शायद। तो ये एग्जिट जहाँ से मैं आया था, यहाँ से मैं एंटर किया था एंड यहाँ से जाके मैंने लेफ्ट लिया था, फिर जाके रास्ता ऐसे घूम के अगर आप आते हो यहाँ से वापस, फिर 4 किलोमीटर है।
सो फाइनली मेरा रन कंप्लीट हो चुका है, यानी यहाँ पे तो अंधेरा आएगा, मेरा रन कंप्लीट हो चुका है अराउंड 1.79 किलोमीटर्स हुए। मैंने पूरा नहीं कंप्लीट किया, मैं आधे रास्ते से ही मुड़ के आ गया था वापस, बट अच्छा था। ऐसा अगर आपको ट्रैकिंग करने का शौक है ना, पहाड़ों पे जाने का, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। एंड मुझे लगे 26 मिनट एंड मुझे 1.79 किलोमीटर्स कंप्लीट करने में लगे 26 मिनट। वो इसलिए क्योंकि ट्रैक जो ट्रैक था वो काफ़ी ऊपर नीचे था, अपहिल काफ़ी ज़्यादा था, तो इसलिए आप स्लो हो जाते हो, आपकी स्पीड स्लो हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अपहिल था, बट अच्छा था। अब मैं रेगुलर ही आया करूँगा। एक पार्क और है जो कि मुझे आपको दिखाना है, वहाँ पर भी चलेंगे कल परसों, वहाँ जाएंगे, वहाँ शूट करके आपको दिखाता हूँ। अरे गाना बंद करो, वहाँ जाके आपको शूट करके वो भी दिखाऊँगा। पहुँच चुका हूँ घर में एंड अब मेरी चल रही है चाय, जब थोड़ा मैं लेट हूँ चाय पीने में।